सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं वो बेस्ड है रिसेप्शनिस्ट इंटरव्यू पर, और आपको बताना चाहेंगे ये जो इंटरव्यू सेशन है ये सेशन है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट रिसेप्शनिस्ट। और आज हमारे पास मोनिका है जो एक डेमो सेशन देने जा रही है रिगार्डिंग द रिसेप्शनिस्ट एट पीडी क्लासेस इंस्टीट्यूट। तो मुझे लगता है ये सेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपने मोनिका को एज अ रिसेप्शनिस्ट हमारे सेशन पे बहुत बार देखा भी है और मोनिका बहुत अच्छा वर्क, इनका वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है। तो मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं इंटरेस्टिंग जो हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेंगे जो रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए आगे फर्दर जाना चाहते हैं। Yes, और उनको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बहुत से नए नए क्वेश्चंस मोनिका से पूछेंगे जो शायद इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगे। Yes, sir. तो मोनिका, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने पीडी क्लासेस क्यों चूज किया एज योर करियर? सर, मैंने पीडी क्लास इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे जो एक कज़न हैं वो एज ए फैकल्टी यहाँ पर वर्क कर चुकी हैं। okay. और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी यहाँ से कोर्स किया, स्पोकन इंग्लिश इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, और मैंने मुझे पता लगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। okay. और मैं आपके दोनों चैनल्स YouTube पर दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ। उससे काफ़ी इंस्पायर भी हुई और मैंने आपकी जो इंग्लिश और इंटरव्यू पर जो 4 बुक्स लिखी हुई हैं उनको भी काफ़ी रीड किया, जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही सर। ओह दैट्स गुड। अच्छा, हमें ये बताइए मोनिका कि एज अ रिसेप्शनिस्ट वर्क प्रोफाइल क्या होता है एक रिसेप्शनिस्ट में? सर, रिसेप्शनिस्ट का फ्रेंडली होना बहुत अच्छा, उन्हें स्माइल के साथ लोगों का वेलकम करना चाहिए, ग्रीटिंग करना चाहिए विजिटर्स का, उन्हें अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको बहुत से क्लेरिकल वर्क्स होते हैं, उसको रिसेप्शनिस्ट इंस्टीट्यूट की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को अच्छी तरह से रिफ्रेशमेंट देना चाहिए, स्टूडेंट्स के फूड और एकोमोडेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, ट्रैवल एंड मैनेजमेंट बुक्स को कुरियर करना एंड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेजमेंट करना चाहिए, और जैसे कि ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स एंड जो इंक्वायरीज हैं उनको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, ये वर्क प्रोफाइल एक रिसेप्शनिस्ट की रहती है। और रिसेप्शनिस्ट का अच्छी तरीके से फ्रेंडली होना बहुत जरूरी, जो इमेज है वो एक रिसेप्शनिस्ट की पर्सनैलिटी पर ही डिपेंड करता है, वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करता है, सो उसका पोलाइट और फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है सर। okay. और सर, मैं बताना चाहूँगी, एक जो रिसेप्शनिस्ट है वो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स के बीच एक कड़ी का रूप में काम करता है। right. तो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। मोनिका, आपने एज अ रिसेप्शनिस्ट प्रोफेशन क्यों चूज किया? सर, मैंने रिसेप्शनिस्ट प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे पता लगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया से स्टूडेंट आते हैं और मुझे लोगों नए फ्रेंड्स बनाना और नए नए कल्चर से मिलना, ये मेरी हॉबीज़ हैं, तो मुझे लगता है मैं इस अपनी हॉबीज़ को इस प्रोफेशन से पूरा कर सकती हूँ। और मुझे सीटिंग जॉब बहुत पसंद है इसे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, सो ये मेरी हॉबी भी है, मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? श्योर सर, आई एम मोनिका शर्मा, आई एम वेरी सिमिलर टू माई नेम, एज आई एम वेरी गुड एडवाइजर, आई बिलोंग टू श्री गंगानगर विच नोन एज ए फूड बास्केट ऑफ राजस्थान, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन बाई महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, माई हॉबीज इज ट्रेवलिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड माई स्ट्रेंथ आर आई एम ऑनेस्ट डिसिप्लिन एंड जोवियल पर्सनैलिटी। ओके, आपने बताया आपको नए लोगों से मिलना, एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आपने ऑलरेडी जॉब किया है कहीं पर पहले? यस सर, सर मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सर मुझे। ओके, तो आप चेंज क्यों करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो? सर, मैं अपनी जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं अपनी बेटरमेंट को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं बेटरमेंट अपने आप को और बेटर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहती हूँ और मैं एक बिग बैनर के अंडर में काम करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें जो लोगों के साथ मिलूंगी तो मैं अच्छी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो मेरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और मेरा फ्यूचर एम है कि मैं कनाडा शिफ्ट हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा इंप्रूव कर सकती हूँ, अपनी स्पोकन इंग्लिश को बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे लगता है मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के ये कर सकती हूँ। ओके दैट्स ग्रेट, अगर आप अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और कनाडा जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस सर। ओके मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में कुछ बताइए। यस सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिक पर्सनालिटी। फिलैंथ्रोपिक, लवर ऑफ मैनकाइंड। यस सर, दैट्स गुड सर। और मेरी वीकनेस है कि मैं लिटिल टॉकेटिव हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए एक वीकनेस होगी क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करनी होगी, नए नए लोगों से मिलना होगा, तो उनको अच्छी तरीके से ज़्यादा बातें करनी होगी तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से जान सकती हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ साबित होगी। बिल्कुल, ये आपके लिए स्ट्रेंथ होगी, टॉकेटिव इज नेसेसरी फॉर काउंसलर। यस सर। ओके मोनिका, मुझे ये बताइए कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर होता है, मींस कई बार स्टूडेंट्स की गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे माहौल को आप कैसे हैंडल करती हो? सर, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, तो मुझे लगता है ये हमारी लर्निंग स्टेज है, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो हमें वर्क कर, और हमें लगता है कि प्रेशर तभी होता है जब हम वर्क को सीरियसली लेते हैं, तो मुझे लगता है मैं अपने वर्क को टाइम से पूरा करूंगी तो प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, मींस यू डोंट वांट टू प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स। यस सर। ओके,
मोनिका, आपको किस तरह के लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है और किस तरीके के लोगों के साथ काम करना नहीं अच्छा लगता? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, मैं कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी जो मेरी इतना पैशनेट है, अपने वर्क को काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो अपने वर्क को काफ़ी लाइटली लेते हैं, लेजी है अपने वर्क को लेकर, उनके साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी। ओके, आप टीम में वर्क करते हैं या अकेले पसंद करते हैं काम करना? सर, इफ़ नेसेसरी, जैसे रिसेप्शन को जानते हैं हम, अकेले वर्क करना पड़ता है, बट अगर मेरी प्रेफरेंस टीम रहेगी, क्योंकि मेरी आई एम टीम स्पिरिट। कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें आती है, कुछ बताइए। सर, मुझे कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज है, जैसे C++, जिसमें लैंग्वेजेस होती हैं, वो सब की नॉलेज है, और जो भी माइक्रोसॉफ्ट यूज होते हैं वो सब की नॉलेज है। MS, Excel वगैरह में वर्क? यस सर। और आपकी टाइपिंग स्पीड भी है अच्छी? यस सर। किस किस लैंग्वेज में आपकी कमांड्स है, स्पीड कितनी है? सर, मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड गुजराती उनमें टाइपिंग कर लेती हूँ। ओके, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है मोनिका? सर, मैं एक मिनट में 50 से 60 वर्ड्स टाइपिंग कर लेती हूँ। ओह, दैट्स गुड। ओके मोनिका, मान लीजिए हम आपको रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं, मगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और इंस्टीट्यूट अगर आपको हाई पैकेज है तो आप हमें छोड़ देंगे? सर नो, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती। सो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं, आपने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी लिए लॉयल रहूँ। ओके, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप एक लॉयल गर्ल है, आप एक इंटेलिजेंट है, आपने बताया आप वर्सेटाइल है, तो ये जितनी भी आपने स्ट्रेंथ्स बताई है, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं कोई एग्जांपल के साथ? श्योर सर। सर, आई डोंट हैव एनी होम सिकनेस, फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय वर्किंग ऑनेस्टली। ओके, सो इट इज श्योर दैट यू विल जस्टिफाई योर पर्टिकुलर वर्क, व्हाटएवर विल असाइन यू? यस सर। दैट्स गुड। आप जानते हैं कि रिसेप्शनिस्ट वर्क के अंदर हर तरीके के लोग आपके पास आएंगे डील करने के लिए, तो हाउ विल यू बिहेव देम, आपका बिहेवियर क्या रहेगा उनके साथ? सर, मैं उनके लिए पोलाइट रहूँगी, उनके लिए फ्रेंडली नेचर रहूँगी, उनकी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझूंगी, उनसे अच्छी तरह, मैं आई एम गुड लिसनर, सो मुझे लगता है मैं अच्छी तरह से उन्हें एडवाइस भी कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ, क्योंकि मेरे नाम का मतलब होता है एडवाइस। ओके, सो मैं लोगों को अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ। तो मींस आप एज अ काउंसलर भी बहुत अच्छा वर्क करेंगे, काउंसलिंग अच्छी करेंगे। श्योर सर। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप आता है, एज ग्रुप आता है, वो छोटे बच्चे भी आते हैं और मेच्योर लोग भी आते हैं, तो आपको हर तरीके के लोगों से डील करना होगा, तो क्या आपने पहले ऐसे लोगों से कभी डील किया है? नो सर, ऐसा नहीं किया, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ सर। ओके मोनिका, आप हमें कोई रीजन दीजिए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास और भी रिज्यूमे आई है गर्ल्स के, तो हम उनको एज अ रिसेप्शनिस्ट ना रखकर आपको रखें, इसके लिए हमें कोई वैलिड रीजन दीजिए। सर, मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो जज नहीं करूँगी जो मेरी तरह लाइन में खड़ी है, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, आई एम ऑनेस्ट और मुझे वर्क का एक्सपीरियंस भी है और मैं लोगों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। ओके, दैट्स गुड। और मान लीजिए मोनिका, इस इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो? सर, आई बिलीव इन ट्राई ट्राई अगेन, तो मुझे लगता है मैं नेक्स्ट अपने इंटरव्यू में आऊँगी और पास हो जाऊँगी सर। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल, राइट? सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मोनिका, ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर, वी आर 4 मेंबर्स, फादर इज ए सीड मैन एंड माई मदर इज ए होम मेकर एंड आई हैव 1 यंगर सिस्टर, she is pursuing 9th standard. Okay, so I believe you must have some ideal also in your life. Yes sir. Kone aapke ideal? Sir, my ideal is my father. Father? Why he is your ideal? Because he is very hard working and very honest. Ooh, that's good. And Monica, what are your salary expectations from us? Sir, money doesn't matter for me, work is worship for me and money is not essential thing, growth opportunity and job satisfaction is more important. ओके, दैट्स वेरी गुड। और मोनिका, मान लीजिए जिस इंटरव्यू के लिए हम आपको बुला रहे हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पर हम एक रिसेप्शनिस्ट की जगह अगर आपके साथ एक और रिसेप्शनिस्ट रखते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी बात पर और वो इंस्टीट्यूट पर आकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आई एम गुड लिसनर, तो मैं उनकी बात सुनूंगी, हो सकता है वो सही हो बट उनका बताने का वे थोड़ा गलत है, बट मैं उनको अच्छे तरीके से लिसन करूंगी, उनकी बात को समझूंगी, उन्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगी, सो मुझे लगता है मैं अच्छे तरीके से उन्हें बता सकती हूँ सर। ओके, तो आप अच्छे लिसनर है। Yes. तो ऑब्वियस है कि वो उनको अगर लिसनिंग को मिलेगा तो ऑब्वियस है वो पसंद करेंगे कि अपनी बात को पूरी बता दें आपको। सर, हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भी हमारे विजिटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। ओके, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर, वैसे तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मुझे आपसे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ट्रेनिंग या कुछ मिलेगा सीखने को, तो मैं
वो जानना चाहती हूँ सर। डेफिनेटली इवन हमारी जो काउंसलर्स है और जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको सारा वर्क प्रोफाइल बताएंगे पहले और उसके बाद हम आपको वर्क पे लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब समय आता है दोस्तों इस पॉइंट को लास्ट में हम बताना चाहेंगे हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बताना चाहूंगा लास्ट में मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टिप जरूर देता हूँ ताकि उनको बेनिफिट मिले इंटरव्यू में। और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने मोनिका से कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे जिसमें मोनिका से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मोनिका हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप हमारी कंपनी में कितने समय तक रहेंगे तो आप कह सकते हैं सर एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, वन इज जॉब एंड अदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। व्हेन बोथ दीज सेटिस्फेक्शंस मूव्स पैरेलल देर इज नो रीजन ऑफ चेंज एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली देर इज नो रीजन फॉर मी ऑल्सो टू मेक अ मूव। और मोनिका ने एक बहुत अच्छी लाइन भी बोली थी कि सर आई डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। तो मुझे लगता है ये लाइन यदि आप बोले इंटरव्यू में तो बहुत इंप्रेस कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। और दोस्तों रिसेप्शनिस्ट का जो प्रोफाइल है वो यही है कि स्माइलिंग फेस के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरमेंट बनाकर रखना आप इंस्टीट्यूट में जहां भी आप जॉब कर रहे हैं। अदर देन दैट जो भी मोनिका ने पॉइंट्स दिए वो बहुत सुपर थे, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है। और बताना चाहूंगा कि मोनिका इज ऑलरेडी वर्किंग विद पीडी क्लासेस। मोनिका कैसा एक्सपीरियंस है आपका, कैसा लग रहा है आपको पीडी क्लासेस पर? सर मैं अपने आपको काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरी पर्सनालिटी काफी डेवलपमेंट हुई है। ओके, और मोनिका कई बार आपने इंटरव्यूज में भी पार्टिसिपेट किया है टीचर्स के अलावा, यस सर, तो उस इंटरव्यू देने के प्रोफाइल में भी हमने बहुत नए नए तरीके के इंटरव्यूज हमारे स्टूडेंट्स को दिए, तो क्या उसमें भी आपको कुछ सीखने को मिला? सर मुझे नए नए जॉब के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने इससे हो सकता है कहीं आगे मैं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दूं तो मेरे लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ आप अपनी कनाडा ड्रीम को बिल्कुल बनाए रखिए और डेफिनेटली आप पहुंचे। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू। थैंक यू सर।